नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में मैं फिरोज कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम कल जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसको एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। देखिए, कल हमने एक पार्ट स्टार्ट किया था केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, यानी दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में कौन कौन से रसायन आपके काम आते हैं, उन सब में सबसे पहले हमने अम्ल और क्षार को लिया था। अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार। इस अम्ल और क्षार के अंदर सबसे पहले हमने लिया था अम्ल। अम्ल शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन शब्द है एसिडस। एसिडस जिसका अर्थ होता है सौर, यानी खट्टा। क्या होता है? खट्टा, यानी खट्टे पदार्थ। क्या कहते हैं? अम्ल। अधिकांश खट्टे पदार्थ कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। अगला दूसरा ये था क्षार। ये अरबी शब्द है एल्केली, ये इसको ऐसे बोलते हैं क्षार। जिसका अर्थ होता है पौधे की राख, पौधे की राख। ठीक है। और जो क्षार जल में घुलनशील, जल में जो मिले क्षार होता है उसको बोलते क्षार। जल में घुलनशील क्षार, जल में घुलनशील घुलनशील क्षार को तो हम क्या बोलते हैं? क्षार कहते हैं। जो क्षार के जल में घुलनशील होता है उसको हम बोल देते हैं क्षार। तो देखो, ये स्वाद में खट्टे होते हैं जबकि ये स्वाद में होते हैं कड़वे। दूसरा, ये नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में बदलते हैं जबकि ये लाल को नीले में, यानी ये ब्लू को रेड में, रेड को ब्लू में बदलते हैं। ठीक है। अब अम्ल और क्षार की परिभाषा देने के लिए तीन संकल्पनाएं देंगे, तीन कंसेप्ट दी। उन तीन कंसेप्ट में सबसे पहले है आरएनएस की अवधारणा या आरएनएस की संकल्पना। अम्ल क्षार को बताने के लिए सबसे पहले जो वैज्ञानिक आया वो था आरएनएस। आरएनएस ने तब बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलय में हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहते हैं। जलीय विलय में हाइड्रोजन आयन देती, हाइड्रोजन आयन दाता H+ आयन दाता क्या कहलाते हैं? अम्ल। और जो OH- यानी हाइड्रोक्सिल, H+ का मतलब हाइड्रोजन और OH- का मतलब हाइड्रोक्सिल आयन जो दाता होते हैं उन्हें बोलते हैं क्षार। ठीक है। अब इस संकल्पना की एक कमी रहेगी कि ये संकल्पना केवल जलीय मिलियन जलीय माध्यम में ही लागू होती है, अन्य माध्यम में लागू नहीं होती है। दूसरी ये एक और कमी है इसमें कि जिन अम्लों के अंदर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित है, जिन अम्लों या क्षारों में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित है उन्हीं अम्लों या क्षारों को ये संकल्पना प्रदर्शित करती है। और जिनके अंदर यदि H+ और OH- आयन है नहीं, उन अम्लों और क्षारों को ये कैसे स्पष्ट करेगा, ये नहीं समझा सकेगा। ठीक है। तो इसी संकल्पना की दो कमी होगी, एक तो ये जलीय माध्यम में ही लागू होती है, दूसरी ये H+ एवं OH- युक्त अम्लों एवं क्षारों को स्पष्ट करती है, जिनमें ये नहीं है उनको ये स्पष्ट नहीं करती। दूसरी अवधारणा है ब्रोस्टेड लोरी की। ब्रोस्टेड लोरी की अवधारणा दो वैज्ञानिक, ब्रोस्टेड और लोरी, इन्होंने बताया कि जो पदार्थ किसी विलयन में प्रोटॉन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, तथा जो पदार्थ प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्षार कहलाते हैं। यानी प्रोटॉन को हम लेते हैं H+ से, H+ का मतलब प्रोटॉन, इसमें प्रोटॉन और इसमें हाइड्रोजन आयन। आरएनएस में तो H+ को क्या बोलेंगे, आरएनएस के उदाहरण में तो H+ को बोलेंगे हम हाइड्रोजन आयन। और ब्रोस्टेड लोरी की जो अवधारणा है उसमें H+ को हम क्या बोलेंगे, प्रोटॉन। प्रोटॉन दाता क्या कहलाएंगे,
हम ले, और जो प्रोटॉन ग्राही है H प्लस ग्राही है उनको बोलेंगे चार। क्या बोलेंगे? चार बोलेंगे, ठीक है। अब इस अवधारणा के द्वारा एक संयोग में अम्ल क्षार की के बारे में बताया गया है। इस संयोग में अम्ल क्षार के बारे में इस अवधारणा में बताया गया है कि कैसे संयोग में अम्ल और क्षार बनते हैं। तो देखिए उदाहरण के द्वारा समझते हैं हमें। जैसे यह H2O प्लस NH3, H2O प्लस NH3, आगे ये चेंज होगा NH4 प्लस OH माइनस में। देखो अब प्रोटॉन किसने दिया किसने लिया, देखिए तुम देख H2O, इसने प्रोटॉन दिया है और ये बन गया क्या OH माइनस। प्रोटॉन दिया इसने, इसके पास देखो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन थी ना, यहां पर हाइड्रोजन लिखेंगे एक, यानी इसने प्रोटॉन दिया है। प्रोटॉन दाता क्या कहलाता है? अम्ल। और तो एक ने दिया तो दूसरा लिया, यानी NH3 ने क्या लिया है? प्रोटॉन लिया है, यानी NH3 से क्या बन गया? NH4, इन 3 से 4 हो गए ना, इसका मतलब इसने प्रोटॉन लिया, यानी कि ये क्या हो गया? क्षार हो गया। NH3 क्या हो गया? क्षार। अब देखिए अम्ल से जो बना है क्या बना है? OH माइनस, यानी बना ना ये होगा संयुग्मी क्षार। अम्ल से बनेगा संयुग्मी क्षार और क्षार से बनेगा संयुग्मी अम्ल, ये बना तो इसको बोलेंगे संयुग्मी क्षार और इसको बोलेंगे संयुग्मी, क्या बोलेंगे? क्षार के बना तो संयुग्मी अम्ल बोलेंगे। तो ये संयुग्मी अम्ल है, संयुग्मी अम्ल क्षार का, संयुग्मी अम्ल क्षार का ये जोड़ा हो गया, संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म हो गए। कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया H2O और एक OH माइनस, ये हो गया संयुग्मी अम्ल क्षार, और दूसरा हो गया संयुग्मी अम्ल क्षार कौन सा? NH3, और कौन सा हुआ? NH4 प्लस, ये और ये और ये और ये जोड़े हुए, संयुग्मी अम्ल क्षार का जोड़ा एक, संयुग्मी अम्ल क्षार का जोड़ा दूसरा। एक और उदाहरण द्वारा समझते हैं हम इसको, H2 प्लस HCl, ये चेंज हो रहा है H3O प्लस Cl माइनस। इसमें देखो इसके बाद H2 था, इसने प्रोटॉन ग्रहण कर लिया, H2O ने ग्रहण किया, फिर बात क्या इसने प्रोटॉन ग्रहण किया, प्रोटॉन ग्रहण किया है, तो जो प्रोटॉन ग्रहण करता है, प्रोटॉन ग्रही होता है, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नहीं क्या बोलेंगे बताओ? अरे प्रोटॉन ग्राही क्या होता है? क्षार। क्या होता है? क्षार। और जो प्रोटॉन देता है वो क्या कहलाएगा? हम देने वाला हमले और ग्रहण करने वाला क्षार, यानी ये दे रहा है, यानी 2 से 3 हो गया ना, इसका मतलब ये ले रहा है, ये H2O क्या कर रहा है? ले रहा है, और HCl दे रहा है, ये ध्यान थोड़ा सा ध्यान रखो, H2O ये ले रहा है और ये दे रहा है, तो लेने वाला तो हो गया, लेने वाला कौन हो गया? क्षार, और देने वाला कौन हो गया? अम्ल। तो इससे जो बना H3O प्लस, तो ये हो गया संयुग्मी अम्ल। क्षार से क्या बनेगा? संयुग्मी अम्ल, और अम्ल से बनेगा संयुग्मी क्षार। तो देखो संयुग्मी अम्ल क्षार के दो जोड़े हो गए, संयुग्मी अम्ल क्षार का जोड़ा कौन कौन सा हुआ बताओ? इसमें एक तो हुआ H2O और OH H3O प्लस, और दूसरा हुआ HCl और Cl माइनस, ये संयुग्मी अम्ल क्षार के क्या हो गए? जोड़े, ठीक है। अगला है, अब देखो ये संयुग्मी अम्ल क्षार को भी आपने समझा है, कुछ ना और आ जाएगा समझे। इसके बाद में इसकी एक कमी होगी,
कि जिन अम्ल या क्षारों के अंदर H प्लस पाए जाते हैं, यानी प्रोटोन पाए जाते हैं, उन्हीं अम्ल या क्षारों को ये अवधारणा या संकल्पना स्पष्ट करती है। बिना प्रोटोन यानी अप्रोटिक अम्ल या क्षारों को ये अवधारणा नहीं समझा सकती। अप्रोटिक अम्लों जैसे CO2, SO2, SO2, BF3, इनको यह अवधारणा स्पष्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि इनके अंदर प्रोटोन नहीं पाए जा रहे, नहीं पाए जा रहे, इसलिए यह संकल्पना भी बाद में फेल होगी। इसके बाद में अगली अवधारणा आई, वो थी लुईस की अवधारणा। तीसरी कौन सी अवधारणा है? लुईस अवधारणा। लुईस ने कहा ये इलेक्ट्रॉन युग्म पर आधारित है। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म में ग्रहण करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं, देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्षार। इलेक्ट्रॉन युग्म में ग्राही क्या कहलाएंगे? अम्ल। ये तुम साथ साथ नोट करते रहना। इलेक्ट्रॉन युग्म में दाता क्या होगा? क्षार। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही अम्ल है और इलेक्ट्रॉन युग्म में दाता क्षार कहते हैं। यानी लुईस के अनुसार वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म में का दान करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म में देते हैं, वो क्षार कहते हैं, तथा जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म में ग्रहण करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। जैसे एक अभिक्रिय NH3, इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, दूसरा ये हो गया BF3। ये दोनों आपस में क्या करेंगे? तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म में इधर जाएंगे तो ये बनेगा BF3, इलेक्ट्रॉन युग्म में दाता होता है क्षार, और इलेक्ट्रॉन युग्म में ग्राही क्या होता है? अम्ल। और इनके मध्य जो बंध बना हुआ होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपसंयोजक बंध बन गया। अब देखिए लुईस अम्ल एवं लुईस क्षार कौन कौन से है जिनके दो तीन उदाहरण देखते हैं अपन। लुईस अम्ल और लुईस क्षार, जिसे SO2, BF3, AlCl3, Na+, Mg+2, ये सब क्या है? लुईस अम्ल है, जबकि लुईस क्षार Na3, OH, इनके पास दो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं Cl- OH-, ये क्या है? लुईस क्षार। नोट कर लेंगे, ये लुईस अम्ल है, ये लुईस क्षार, यानी प्लस आवेश है वो तो क्या, यानी कि इनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है, कमी वाले लेंगे, यानी ये वो लुईस अम्ल की तरह काम करेंगे। और इनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या अधिकता, इनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म एक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म दो है, इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अधिकता है, तो ये क्या करेंगे? दान करेंगे। और देने वाले क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे? क्षार। और ये लुईस क्षार की तरह काम करेंगे। आगे देखिए अम्ल क्षार के सामान्य गुण। तो सामान्य गुण में मैंने दो तीन बार बता दिया कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं।
अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके कौन सी किया जाता है, हाइड्रोजन किया जाता है। कल मैंने बताया था एक चित्र बना के अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन किया जाता है, और कल वो चित्र बना के भी बताया था, और ये इस साल 2020 के सेकेंडरी बोर्ड एग्जाम में भी आया था। धातुओं के अम्लों के साथ क्रिया से हाइड्रोजन गैस को जो बनना हाइड्रोजन गैस बनती है उसका नामांकित चित्र बनेगी। तो देखो दोबारा देख सकते हो उसको, ये अपन क्लास लेते हैं। ये निकास नली साबुन का पानी, साबुन का गोल सोप, सॉरी साबुन का गोल है, ठीक है। अब इसके अंदर डाल दिया है तो जिंक की टुकड़ी डाल दी थोड़ी, जेड एन अम्ल डाल दिया है तो इसको, और इनको एक स्टैंड की सहायता से फेंक दिया, अब एक जल्दी मोमबत्ती ले जाएंगे इनके पास, मोमबत्ती इनके पास जल्दी भी ले जाएंगे ना, तो यहाँ पर पटपट की आवाज तुम्हारे घर सुनाई नहीं, वो किसके कारण सुनाई दे रही, क्योंकि कौन सी गैस निकल रही यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस निकल रही, इस हाइड्रोजन गैस के निकलने के कारण ये पटपट की ध्वनि यहाँ पर सुनाई दे रही। ये हो गया, अब इसकी अभिक्रिया कैसे लिखेंगे, देखो धातु हम लोग की धातु के साथ किया जेड एन प्लस हाइड्रोजन और ये धातु हो गया, ये सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, और यहाँ पर जेड एन और प्लस एच टू ये गैस निकली, कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस निकली, ठीक है। तो नोट कर ले इसको, जिंक धातु क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता, सभी धातुएं क्षारों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती है जो क्षारों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, उनमें से एक है जिंक। जिंक धातु भी क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, जैसे जिंक अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, उसी प्रकार जिंक क्षारों के साथ क्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस देती है। तो देखिए कैसे, तो देखो जेड एन प्लस एन एच ये क्षार हो गया, धातु ये हो गया एन ए टू जेड एन ओ प्लस प्लस एच टू, सभी धातुएं क्षारों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। एक जिंक धातु है जो क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। सोडियम जिंकेट, ये क्या है सोडियम जिंकेट, तो ये अभिक्रिया भी नोट कर लो, जेड एन प्लस टू एन यू एच ये चेंज हो रहा है एन ए टू जेड एन ओ टू प्लस एच टू, यानी कि क्षार की धातु के साथ क्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस का बनना, ये थी धातु के साथ धातु की अम्ल के साथ, ये धातु की क्षार के साथ हाइड्रोजन गैस का बनना। हाँ तो आगे देखिए, अब देखते हैं लवण अम्ल क्षार के बाद में अगला है टॉपिक अपना लवण साल्ट, जो
जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण एवं जल का निर्माण होता है। इस क्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण। क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण। जैसे अम्ल प्लस क्षार जब आपस में क्रिया करेंगे तो लवण और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। और इस अभिक्रिया के दौरान कुछ ऊष्मा भी बाहर निकलती है, इसलिए उदासीनीकरण अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदासीन अभिक्रिया को हमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जैसे उदाहरण और देख सकते हो, HCl प्लस NaOH बराबर NaCl और ये चेंज हो रहा है H2। इसी साल 2020 के बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न भी आया था कि उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक समीकरण लिखिए, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाना था। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH के साथ क्रिया करके NaCl और H2O बना दिया। एक नंबर का सवाल था, ठीक है। तो लवण का निर्माण कब था? जब अम्ल एवं क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जब अम्ल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। और इस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब बनने वाले लवण की प्रकृति क्या होगी? ये मैंने पिछले वाले टॉपिक में बताया था तुम्हारे को कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो बनने वाले लवण की प्रकृति क्या है, उदासीन है, अम्लीय है या क्षारीय है, ये निर्भर करता है लेने वाले अम्ल एवं क्षार पर कि कौन सा तुम प्रबल अम्ल ले रहे हो या दुर्बल अम्ल ले रहे हो या प्रबल क्षार ले रहे हो। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को पहले समझिए। क्या होता है दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल की क्या परिभाषा होती है? तो देखो, एक है प्रबल अम्ल, वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित होते हैं, जल में पूर्णतया आयनित होते हैं, कंप्लीटली पूर्णतया आयनित होते हैं। पूर्णतया आयनित होने वाले अम्लों को, जो अम्ल पूर्णतया आयनित होते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण कौन कौन से अम्ल है? जैसे HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, ये उदाहरण लिख लो प्रबल अम्ल के। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये किसका उदाहरण है? प्रबल अम्ल के। वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित होते हैं और जो आंशिक आयनित होते हैं, आंशिक आयनित, आंशिक आयनित होने वाले अम्लों को हम बोलते हैं दुर्बल अम्ल। जो अम्ल आंशिक आयनित होते हैं, आंशिक आयनित होने वाले अम्लों को हम बोलते हैं दुर्बल अम्ल। और उदाहरण के तौर पर इनका उदाहरण ले सकते तुम, एक कार्बोनिक अम्ल भी होता है H2CO3, कार्बोनिक अम्ल, ये किसका उदाहरण है? दुर्बल अम्ल का उदाहरण। वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित, जल में पूर्णतया आयनित होने वाले अम्लों को हम बोलते हैं प्रबल अम्ल। और जो जल में पूर्णतया आयनित नहीं होते, आंशिक आयनित होते हैं, उनका कुछ भाग ही आयनित होता है, उनको बोलते हैं दुर्बल अम्ल। इसी प्रकार अगला है प्रबल क्षार। प्रबल क्षार, वे क्षार सेम है, वे क्षार जो जल में पूर्णतया आयनित होते हैं, जो क्षार जल में पूर्णतया आयनित होते हैं, पूर्णतया आयनित होने वाले क्षार को हम बोलते हैं, पूर्णतया आयनित होने वाले क्षार को हम क्या बोलते हैं? प्रबल क्षार। और प्रबल क्षार के उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, NaOH, KOH,
ये हो सकते हैं, एनी अच्छे है, क्यों अच्छे है, एनिवाज का सोडियम हाइड्रोक्साइड और के वाज का होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के वाज का होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये उदाहरण हो गए प्रबल चार, प्रबल चार का जो जल में पूर्ण तैयारी होते हैं वो प्रबल चार, और दुर्बल क्षार कौन से हो जाएंगे जो जल में आंशिक आयनित होते हैं, आंशिक आयनित होने वाले क्षार क्या हो जाएंगे दुर्बल क्षार, जैसे NH4OH MgOH2 ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका और नाम है किसका MgOH2 का नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र लिखो MgOH2, ठीक है। इसका उपयोग होता है पेट की अम्लता दूर करने में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग कहां पर होता है पेट की अम्लता को दूर करने में, पेट की अम्लता को दूर करने में कौन से क्षार का उपयोग करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं, ये हो गए प्रबल चार और दुर्बल चार, एकदम सिंपल से हैं। प्रबल अम्ल वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित हैं, दुर्बल अम्ल वे अम्ल जो जल में आंशिक आंशिक आयनित होते हैं वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, प्रबल चार वे चार जो जल में पूर्णतया आयनित होते हैं प्रबल चार, जो आंशिक आयनित हैं वो दुर्बल चार कहलाते हैं। आ जा देखो, अब देखते हैं हमें जो अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो बनने वाले लवण और जल है, इस लवण की प्रकृति क्या है इसको जानना है, तो इसको पहले भी मैंने बताया था, एक दिन पहले वाले टॉपिक में बताया था, दोबारा देख लो। जब हम ले रहे हैं प्रबल अम्ल नहीं स्ट्रॉन्ग एसिड, और क्षार भी ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, यानी पर्पल अम्ल, पर्पल को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रॉन्ग और दुर्बल को बोलते हैं वीक, दुर्बल को क्या बोलते हैं वीक, पर्पल अम्ल और प्रबल क्षार से जो इस लवण बना, इस लवण की जो नेचर होगी वो भी न्यूट्रल, कैसी होगी न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब है उदासीन, उदासीन का मतलब इसकी पीएच का मान कितना होगा 7 होगा, और जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार ले लिया, वीक बेस ले लिया, तो ये जो लवण बनेगा इस लवण की जो प्रकृति होगी नेचर होगी वो कैसी होगी एसिडिक होगी, कैसी होगी एसिडिक, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बनने वाले लवण की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी अम्लीय, यानी एसिडिक, और एसिडिक की पीएच का मान होता है 7 से कम, लेस देन 7 यानी 7 से कम, और जब हमने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस यानी दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार लेंगे तो जो लवण बनता है उसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी बेसिक का मतलब क्षारीय होगी, और क्षारीय की जो पीएच का मान होता है वो 7 से ज्यादा होता है, 7 से ज्यादा होता है, समझिए बता लो नोट कर लो इसमें। हाँ अब हम देखेंगे
अम्ल चार एवं लवण के उपयोग कहां कहां पर इनके उपयोग होते हैं तो देखिए, पहले अम्ल के लिए अम्ल जिसे पेड़ पौधों और जंतुओं के अंदर जो अम्ल पाए जाते हैं उनको बोलते हैं कार्बनिक अम्ल। पेड़ पौधों और जंतुओं के अंदर पाए जाने वाले अम्लों को हम बोलते हैं कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल किसके अंदर पाए जाते हैं? पेड़ पौधों एवं जंतुओं में। पेड़ पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले अम्लों को हम क्या बोलते हैं? कार्बनिक अम्ल। जैसे उदाहरण के तौर पर सिट्रिक अम्ल टार्टिक अम्ल लैक्टिक अम्ल इनको क्या बोलते हैं? कार्बनिक अम्ल। और इनका उपयोग तुम जानते हो, सिट्रिक अम्ल नींबू में होता है, ये इमली में होता है, लैक्टिक अम्ल दही में होता है, ये सब कौन से अम्ल है? कार्बनिक अम्ल। जबकि जैसे खनिज अम्ल, एक होता है खनिज अम्ल, खनिज अम्लों के अंदर होता है HCl है, HNO3 है, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यह नाइट्रिक अम्ल है, यह है सल्फ्यूरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, इनको बोलते हैं हम खनिज अम्ल। क्या बोलते हैं? खनिज अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग एक तो नमक के तेजाब में, नमक का तेजाब बनाने में, दूसरा बॉयलर है, एक पात्र होता है एक प्रकार पानी को गर्म करने का या किसी भी सामान को गर्म करने बॉइल करने का है ना, उस बॉयलर को भीतर से गर्म करने का, अंदर से बॉयलर बॉइलिंग वन होता है, बॉयलर को अंदर से साफ करने में और देखिए सिंक है, सेनेटरी है, और साफ करने में सिंक के टाइल रही होते हैं इनको साफ करने में, टाइलों को साफ करने में है ना, HCl का उपयोग होता है। इस प्रकार HNO3 का उपयोग नाइट्रिक अम्ल, HNO3 का होता है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग हमें कर सकते हैं तो फर्टिलाइजर उर्वरक बनाने में। दूसरा सोने चांदी के गहने साफ करने में, के गहने साफ करने में, उर्वरक बनाने में सोने चांदी के गहने साफ करने में, ठीक है। एक देखो HCl और HNO3 इन दोनों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर एक विलयन का निर्माण करते हैं, उस विलयन को हम बोलते हैं एक्वा रेजिया या अम्ल राज, अम्ल राज या एक्वा रेजिया
का निर्माण करते हैं, किस किस को मिलाने से? देखो HCl और HNO3, इसका तो लेते हम तीन भाग है, HNO3 का लेते हैं एक भाग, तीन भाग HCl और एक भाग HNO3 का लेकर एक विलयन का निर्माण करते हैं। तीन भाग है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का और एक भाग है नाइट्रिक अम्ल का लेकर एक विलयन बनाते हैं, उस विलयन को बोलते हैं हम, जो विलयन बनता है उस विलयन को हम बोलते हैं एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया कहते हैं, क्या बोलते हैं? एक्वा रेजिया, और एक्वा रेजिया हिंदी में बोलते हैं इसको अम्ल राज, और क्या बोलते हैं इसको? अम्ल राज। तीन भाग HCl का एवं एक भाग HNO3 का लेकर एक विलयन का निर्माण करते हैं, तीन भाग HCl का और एक भाग नाइट्रिक अम्ल का लेकर एक विलयन बनाते हैं, उस विलयन को बोलते हैं हम एक्वा रेजिया, और इस एक्वा रेजिया का जो उपयोग होता है वो होता है सोने जैसी धातुओं को गलाने में, सोने जैसी धातुओं को या सोने को गलाने में, सोने को गलाने में किसका उपयोग करते हैं? एक्वा रेजिया का। देखो तीन भाग HCl और एक भाग HNO3 का लेकर एक विलयन बनाते हैं, इन दोनों को तीन HCl का होना चाहिए और एक भाग HNO3 का होना चाहिए, तब एक विलयन बनता है, उस विलयन को बोलते हैं एक्वा रेजिया यानी अम्ल राज। इसका उपयोग होता है सोने को गलाने में, यानी सोने जैसी धातु को यह क्या कर सकता है? गला सकता है, डिजॉल्व हो सकता है, ठीक है, ये इसका उपयोग हो गया। अगला है HNO3 का हो गया, HCl का हो गया, और चंदी कहना साफ करने में एटोस ऊपर का उपयोग, इसको बोलते हैं अम्लों का राजा, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्लों को हम क्या बोलते हैं? अम्लों का राजा, सल्फ्यूरिक अम्ल को, सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या बोलते हैं हम? अम्लों का राजा, मोटर गाड़ियों के अंदर जो बैटरी होती है उस बैटरी के अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। और एक बार एक प्रश्न एग्जाम में भी आया है, किस प्रकार सल्फ्यूरिक अम्ल के आधार पर किसी देश की तरक्की को बताया जाता है, किस प्रकार किसी देश की देश के विकास को सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो देखो किसी भी देश की जो प्रकृति है, आर्थिक प्रकृति है या विकास है, वो उद्योग धंधों के अंदर जो काम में आने वाला है सल्फ्यूरिक अम्ल, उस सल्फ्यूरिक अम्ल के कितना ज्यादा उपयोग हो रहा है, उसकी कितनी ज्यादा खपत हो रही है, जितनी ज्यादा खपत होगी सल्फ्यूरिक अम्ल की वो देश उतना ही ज्यादा विकसित होगा। तो एकदम सिंपल सा है कि जो देश उद्योग धंधों में सल्फ्यूरिक अम्ल का जितना ज्यादा उपयोग कर रहा है वो देश उतना ही अधिक विकसित माना जाएगा, यानी जितना ज्यादा सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होगा उतना ही उसको आर्थिक लाभ होगा, वो विकास की ओर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये विकास के पैमानों को बताता है कौन? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा किसी देश की प्रकृति को निर्धारित किया जाता है या किया जा सकता है, जितने ज्यादा सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग उद्योग धंधों के अंदर होगा वो देश उतना ही ज्यादा विकसित होगा। यह हो गया अम्लों के उपयोग। अगला है छार के उपयोग, छारों के अंदर देखो दो तीन छार लेते हैं अपन, जैसे NaOH, एक लेते हैं CaOH2, एक लेते हैं MgOH2, प्रमुख रूप से ये काम होते हैं। इस क्षार का उपयोग NaOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हमें कागज उद्योग में लेते हैं, कपड़े उद्योग में लेते हैं, पेंट उद्योग में लेते हैं,
साबुन अपमार्जक मिलते हैं।